we will definitely be successful in our lives when we accept all those advice that we give to others. हम अपने जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं जब हम उन सलाहों को माने जो हम हमेशा दूसरों को देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुलाब प्रसाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो वीगन डाइट के बारे में, जहाँ वीगन क्या होता है, इसकी डाइट कैसे फॉलो करते हैं, सारी बातें इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पिछले कुछ समय से आम लोगों से लेकर बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार तक वीगन डाइट के दीवाने हो गए। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि वीगन एक ऐसी डाइट है, ऐसा आहार है जिससे हमारे शरीर को काफ़ी स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। तो ऐसे क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं वीगन आहार में जो आप भी ले सकें और आपको उसका स्वास्थ्य लाभ पूरी तरीके से मिल सके। वीगन होना और शाकाहारी, वीगन और शाकाहारी में बहुत अंतर होते हैं। शाकाहारी होने का मतलब ये नहीं कि वो वीगन आहार ले रहे हैं। वीगन आहार सिर्फ पत्तेदार सब्जियों पर आधारित होती है। मतलब वीगन आहार अगर आप ले रहे हैं तो वो सिर्फ हरे पत्तेदार सब्जियों में ही सीमित है। अगर आप जानवरों द्वारा उत्पादित या उत्पत्ति पे जो भी ले रहे हैं, जैसे कि दूध, दही या शहद, अगर आप ये ले रहे हैं तो ये वीगन नहीं है। तो आप वीगन ले रहे हैं तो ये सिर्फ हरे पत्तेदार सब्जियों में ही सीमित। अगर आप वीगन डाइट इस्तेमाल करने वाले हैं या वीगन डाइट शुरू करने वाले हैं तो इससे आपको कई तरह के पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, क्योंकि वीगन डाइट में आपको कई खाद्य पदार्थ छोड़ने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन और जिंक की कमी हो सकती है। इसीलिए अपने वीगन आहार में इन पोषक तत्वों की कमी ना हो, ऐसे ही आहार सोच समझ कर चुनें। वीगन डाइट वैसे तो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, लेकिन आप नॉर्मल डाइट से वीगन डाइट में स्विच हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं या चेंज कर रहे हैं तो अपने आप को समय दें, क्योंकि वीगन डाइट को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस समय इस बीच आपको मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और भूख का एहसास हो सकता है, लेकिन आप कुछ दिनों में इसमें एडजस्ट हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं। कुछ लोग वीगन बनने के चक्कर में एक ही दिन में पूरी डाइट बदल देते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी हाँ, अगर आपको वीगन की तरफ आप स्विच कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में एक एक मील करके, मतलब थोड़े थोड़े फूड को चेंज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि बॉडी आराम से और धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए और आप वीगन की तरह धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाए। एकदम से आप बदलेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और आप परेशानी में भी आ सकते हैं। जब आप अपनी नॉर्मल डाइट से वीगन की तरफ कन्वर्ट या स्विच करते हैं तो आपको गिने चुने विकल्प मिलते हैं आपके भोजन में। जी हाँ, इसमें आप जानवरों से पैदावार होने वाली चीज़ें तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप पेड़ पौधे से जो फल और आहार और सब्जियाँ मिलती हैं आप उन्हें ले सकते हैं। तो आप अपने स्वाद के साथ समझौता न करते हुए स्मार्टली अपने फूड का चयन करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप टोफू ले सकते हैं, पेड़ पौधे वाली चीज़ों से बनने वाली सभी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था वीगन के बारे में छोटी सी जानकारी कि आप वीगन कैसे स्विच कर सकते हैं, वीगन की तरफ जा सकते हैं। शाकाहारी एक अलग हो गया, मांसाहारी एक अलग हो गया, और वीगन उससे भी एक डिफरेंट है जो आज हम उसके बारे में जान पाए। फिर इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।